बिहार सिविल कोड डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। हमारे उद्धव ठाकरे जी के यह कुल देवता हैं, इसलिए हमारा वहाँ से एक गहरा संबंध जुड़ा हुआ है। मैंने कई बार पत्र व्यवहार किया, चूँकि वहाँ बहुत बारिश होती है, उसकी सीढ़ियाँ टूटी हुई है। मैंने एम्पिलेड फंड से उन सीढ़ियों को बनाने के लिए कई बार कहा है, लेकिन आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट उसमें सहयोग नहीं देता। अगर वहाँ रुपये की मंजूरी मिल जाती तो पर्यटकों की बहुत संख्या बढ़ जाती और रुपये के द्वारा बहुत से बुजुर्गों को आने जाने की सुविधा मिल जाती। मेरे क्षेत्र में लोहगढ़, तिकोना, राजमाती, बीसापुर आदि किले हैं, चूँकि वहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज राज करते थे, उस समय के ये किले हैं। ये हिल स्टेशन लोनावाला खंडाला के नाम से देश भर में प्रसिद्ध है। अगर यहाँ सरकार की तरफ से सुविधाएं दी जाए तो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक आएंगे, उससे सरकार की आमदनी बढ़ेगी और लोगों को सुविधा भी प्राप्त हो सकती है। हमारे रायगढ़ में जंजीरा नाम का एक ऐसा किला है जो पुरातत्व विभाग के अंदर आता है। यह किला समुद्र में बना है और उस किले की दीवारें इतनी पुरानी होने के बावजूद आज भी सुरक्षित है। यह किला देखने लायक है। वहाँ बहुत से श्री थोटा नरसिंह महोदय, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे भारत में सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण धरोहर और ऐतिहासिक स्मारकों के इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का अवसर दिया। मैं तेलुगु देशम पार्टी की ओर से इस विधेयक का समर्थन करता हूँ, जो संस्कृति मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा जी द्वारा पुनः स्थापित किया गया। प्रस्तावित संशोधन प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थान और अवशेष अधिनियम 1955 के उपबंधों में संशोधन करने वाला है। वर्तमान संशोधन विधेयक इस बात का स्पष्ट उदाहरण है कि
यह सरकार विभिन्न स्तरों पर सुधारवादी कार्यों के लिए प्रतिबद्ध है। यह संशोधन हमारे देश की सांस्कृतिक धरोहर की अनदेखी के बिना बढ़ती समकालीन अवसंरचनात्मक आवश्यकताओं को मान्यता प्रदान करने के लिए लक्षित है। समाप्त। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए।